टेरेस गार्डन वाटरप्रूफिंग सॉल्यूशंस। टेरेस गार्डन के अंदर लीकेजेस तब होती है जब प्रॉपर वे से टेरेस गार्डन की वाटरप्रूफिंग ना की गई हो या फिर उसके स्टेप्स ना फॉलो किए हो। कई बार हम देखते हैं हमारे टेरेस गार्डन के साथ साथ जो हमारा नॉर्मल फ्लोर एरियाज है, उन फ्लोर एरियाज के साइड में जो सीवर्स वगैरह हैं वो भी लीक होते हैं, जिसकी वजह से हमारे टेरेस गार्डन के आसपास का एरिया भी लीक होता है। यहाँ पर वाटर लॉकिंग होती है, जिससे यहाँ पर सीवर्स हैं, सीवर्स भी लीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो सीवर्स का वाटर, रेगुलर जो वाटर होता है वो फ्लोर के अंदर फैलता रहता है। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। अगर किसी बिल्डिंग में प्रॉपरली ड्रेनेज सिस्टम क्रिएट ना हो तो उसकी वजह से उसका जो टेरेस का गार्डन जो है वो बेसमेंट को इफेक्ट करता है। रूफ गार्डन को ठीक करने के लिए ये कुछ स्टेप्स हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारा जो मदर स्लैब होता है उसके ऊपर वाटर प्रूफिंग की प्रॉपर अच्छे तरीके से जो लेयर है वो होनी चाहिए। उसके बाद उसके ऊपर प्रोटेक्शन लेयर आती है, मीन्स जो हमने वाटर प्रूफिंग की है उसके ऊपर स्क्रीनिंग वगैरह की जो लेयर है वो आती है। उसके बाद हमारे ड्रेनेज सेल्स आते हैं या ड्रेनेज बोर्ड्स आते हैं, जो कि सेपरेशन लेयर भी होते हैं सॉइल्स टू मिट्टी के अकॉर्डिंग, और ये ज़िगज़ैग फॉर्म में सेल्स होते हैं, एग ट्रे शेप में ये सेल्स होते हैं, ये प्रॉपर पूरे सरफेस पे लगाए जाते हैं। उसके बाद हमारी जियो टेक्सटाइल्स आती है। जियो टेक्सटाइल्स एक नॉर्मल एक कपड़े की तरह होती है जो कि सॉइल को पानी से सॉइल में से पानी को फिल्टर कर देती है। उसके बाद हमारी जो सॉइल्स है और जो प्लांट्स वगैरह हैं जो भी वो हमारे लगाए जाते हैं। तो ये प्रोसेस होता है टेरेस गार्डन वाटर प्रूफिंग प्रॉपर। अगर ये कोई प्रॉपरली फॉलो करता है तब जाके टेरेस गार्डन जो है वो इक्वली परफॉर्मेंसेबल होता है। मोस्टली केसेस में टेरेस गार्डन में प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम क्रिएट ना होने की वजह से जो वाटर है वो बेसमेंट के अंदर पेनिट्रेट करता है या फिर स्ट्रक्चर्स के अंदर पेनिट्रेट करता है, और वहाँ पे जो वाटर है स्ट्रक्चर्स के अंदर काफ़ी दिनों तक स्टोर हो जाता है। तो इस वजह से जो टेरेस गार्डन का जो प्रोसीजर है, ड्रेनेज सिस्टम है, वो प्रॉपरली क्रिएटेड होना चाहिए।